ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर गिना जाता है। वह सबसे प्रसिद्ध भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची में भी शामिल है। पीएम मोदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता KS चौहान ने दृढ़ व्यक्तित्व के धनी, अपार ऊर्जा के स्रोत व प्रभावशाली कार्य साधक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए पीएम मोदी के बारे में आम जनमानस की राय को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया। दोस्तों, आज मैं एक टैक्सी में सफर कर रहा था। पीछे बैठे हुए मैंने टैक्सी ड्राइवर और उसके सहयोगी की बातें सुनी। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था कि मैं कभी वोट नहीं देता था, अब लेकिन देता हूं और सारी जिंदगी देता रहूंगा, क्योंकि मोदी जी ने मेरा एक काम कर दिया और वो है आयुष्मान कार्ड का। आयुष्मान कार्ड से ही मैं अपनी पत्नी की इलाज करा पाया, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा पाता। मैं बहुत मजबूर था। उन्होंने बताया आगे कि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर है। ऐसी कई कथाएं हैं, ऐसी कई कहानियां हैं, और इसी का नाम मोदी है कि वो घर घर तक जिनकी परेशानियां हैं वो दूर कर सके। वही प्रयास में लगे रहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। किसी की आंखों से आंसू पोंछने का नाम है मोदी। हमारे को विश्व में पांचवी अर्थव्यवस्था में पहुंचाने का नाम है मोदी। हमारे को चंद्रयान में पहुंचाने का नाम है मोदी। हमारे देश में G20 लाने का नाम है। हमारे को राम मंदिर की धरोहर देके पुनर्स्थापना करके हमारे धरोहर, हमारी संस्कृति को बचाने का नाम है मोदी। 370 हटा के वहां की जनता को एक आजादी दिलाने का नाम है मोदी। 4 करोड़ लोगों को घर दिलवाने का नाम है मोदी। खुले में लगभग शौचालय बंद हो चुके हैं हर स्कूल में, उसका नाम है मोदी। ऐसे कई कार्य हैं जो कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अंत्योदय तक एक आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए किया है। और ऐसे मोदी हर घर में पैदा होने चाहिए। आज उनके जन्मदिन के दिन मैं ये शुभकामनाएं करता हूं, और ऐसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए कार्य करते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी।